विराट अमृता से जिद कर रहा है कि वो अनलमेंट पेपर में साइन कर दे, पर अमृता किसी भी कीमत में साइन करने को तैयार नहीं है। यहाँ पे इशिका और प्रियंका प्लान बनाते हैं कि अमृता से अनलमेंट के पेपर में हम लोग कैसे साइन लेंगे। आने वाले एपिसोड में आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे बबीता काफ़ी ज़्यादा परेशान दिखाई दे रही होती है। तभी विराट वहाँ से गुजरता है तो देखता बबीता फ़ोन में किसी से बात कर रही है। पूछता क्या हुआ तो बबीता बताती कि मैंने अलीबाग में एक बंगला बुक किया था और अब फ्रॉड हो गया। वो बंगले के लिए मैंने इतना पैसा दिया था, सारा पैसा भी फंस गया। अब तुम्हें अलीबाग जाना पड़ेगा वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो विराट कहता है कि मॉम आप परेशान मत होइए, मैं आज ही अलीबाग चला जाता हूँ। मनी मन बबीता कहती यही तो मैं चाहती हूँ कि आज तुम अलीबाग चले जाओ और अमृता घर पे अकेली होगी तो उससे अनलमेंट पेपर में हम लोग साइन तो ले ही लेंगे। इधर देखेंगे इशिका और प्रियंका दोनों जाती है सोसाइटी में और गटर का पानी निकालती है एक बॉटल में और उसमें कॉकरोच भी निकालती है और कहती है कॉकरोच हम लोग सोसाइटी में फैला देंगे, जब पूरा कॉकरोच हो जाएगा सोसाइटी में और सब लोग कंप्लेन करेंगे कॉकरोच के लिए तो हम लोग पेस्ट कंट्रोल को बुला लेंगे और पेस्ट कंट्रोल वाला जब वहाँ पर आएगा तो हम लोग अमृता से साइन करा लेंगे पेस्ट कंट्रोल के नाम पर, अनलमेंट पेपर हम दे देंगे और उसे लगेगा पेस्ट कंट्रोल का पेपर है, जल्दी में वो साइन कर देगी। और ये प्लान बनाते हैं वो लोग किसी तरीके से अमृता से लेने का। यहाँ देखेंगे अमृता ने विराट से कह दिया कि कुछ भी हो जाए वो साइन नहीं करेगी। विराट यहाँ पे अलीबाग का पैकिंग करने लगता तो अमृता पूछती आप कहाँ जा रहे हैं, तो विराट कहता कहीं पर भी जा रहा तुम्हें क्या मतलब है। तो अमृता बोल रही है मैं इस घर से कहीं नहीं जाऊँगी और वैसे भी अगर जाना होता तो मैं जाती ना, आप कहाँ जा रहे हैं। विराट नहीं बताता, यह अमृता के हाथ में चोट लग जाती तो विराट परेशान होने लगता और कहता अपना ध्यान रखा करो, मैं नहीं रहूँगा तो कौन तुम्हारा ध्यान रखेगा। तो अमृता कहती तो फिर आप मुझे अपने आप से दूर क्यों करना चाहते हैं, मैं आपसे दूर नहीं जाना चाहती, प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। और विराट गुस्से में फिर वहाँ से चला जाता है। इधर निम्मी भी सब कुछ सुन लेती है कि क्या कुछ चल रहा है। निम्मी भी परेशान हो रही होती कि भाई ऐसा क्यों कर रहे हैं। और यहाँ पे वो विराट को समझाने की कोशिश करती कि उसे अमृता को नहीं छोड़ना चाहिए क्योंकि उसे बहुत ही अच्छी जीवन साथी